नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को बताऊंगी कि गोल्ड सिल्वर में 8 तारीख यानी सोमवार के दिन की क्या स्थिति रह सकती है और आपका क्या राशिफल रह सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इनका दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन जान सकते हैं, टाइम फ्रेम जान सकते हैं, लेवल्स जान सकते हैं। लेकिन हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती है, यह बात आप विशेष ध्यान में रखें और इसके साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो आज हम देखेंगे कि 8 तारीख को सोमवार के दिन यानी कि 8 अप्रैल को सोना चांदी में क्या स्थिति जा सकती है। जैसा कि अभी ग्रहों का जो परिवर्तन चल रहा है वर्तमान में, इस स्थिति को देखते हुए सोने चांदी में जबरदस्त तेजी के योग बन जाते हैं और एक झटके में मार्केट नीचे भी आ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति और आगे मतलब सोमवार के मार्केट में ग्रह क्या कह रहे हैं, वह आप लोगों को जो गणना बनाई गई है उसके बारे में जानकारी दूंगी। क्या आपका राशिफल रहेगा यह बतलाऊंगी। तो जैसा कि जो जानकारियाँ दी गई थी अगले सप्ताह की भी, वह भी बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। और अब हम देखेंगे कि आपके सोमवार में गोल्ड सिल्वर में क्या स्थिति बन सकती है। हमने शुक्रवार की मार्केट में भी देखी थी कि जबरदस्त हमको तेजी देखने को मिली थी गोल्ड और सिल्वर में, अब क्या योग बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम गणना देखते हैं तो सोमवार का दिन रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहने वाला है 10:12 तक, मीन राशि का प्रभाव रहेगा, इसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा और तिथि अमावस्या रहने वाली है। अब इसके साथ क्या प्रभाव बन सकता है, तो ग्रह स्थिति के अनुसार यदि हम देखेंगे तो मीन राशि में नेपच्यून, शुक्र, सूर्य, चंद्र और राहु का योग बना है। समसप्तक योग में सामने केतु हैं। तो ये क्या प्रभाव मार्केट पर बना सकते हैं, यह अनुमान आपको बतलाऊंगी। सबसे पहले हम राशिफल देखेंगे। तो राशिफल यदि हम देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए हानि के योग बन रहे हैं, आप काम ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ के योग हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो है लाभ के योग हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित योग हैं, लाभ हानि के, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं। और जो आपकी कन्या राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। तुला राशि वालों के लिए हानि के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए मिश्रित योग हैं, प्रॉफिट मिलते ही दूर हो जाएं। इसके साथ यदि हम मकर राशि वालों के लिए देखते हैं तो मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। मीन राशि वालों को हानि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिनको हानि है सोच विचार के काम करें और यह राशिफल जो है आपका लगभग 80% तक सही जाता है। अब कल के मार्केट में सोने चांदी में क्या स्थिति बन सकती है वह हम देखेंगे। यदि हम ग्रह गणना देख रहे हैं तो गोल्ड में कुछ मिक्स ट्रेंड के बाद पॉजिटिव की स्थिति जो है समझ में आ रही है। इसके साथ सिल्वर में भी कुछ तेजी हमको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ यदि हम देखेंगे तो गोल्ड में भी लगभग यदि हम देखेंगे तो लगभग 150 से लेकर के 300-400 पॉइंट के बीच में भी कार्ययोग देखने को हमको मिल सकता है। चांदी की हम बात करेंगे तो चांदी में भी जो है लगभग 600-800 लेकर के 1000-1200 पॉइंट के बीच में भी खेल हो सकता है। तो इस प्रकार से यह मैंने एक अंदाज लगाया है, वह है एस्ट्रोलॉजी के बेस पर। और आप अधिक जानकारियां चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।